Good morning, my dear students. Welcome back in your online English class. My dear students, today we will learn about my school. Aaj hum paragraph karenge bachcho about my school. Do you know which date is today? Date 1st July. Okay. Which month is going on? June. And which day is today? Thursday. Let's start our paragraph. The name of my paragraph is My School. Bachcho, aaj hum my school paragraph ke bare mein padhenge. Okay, let's start. My first line is My school name is. My school name is Dhanna Bhagat Public School. In which school do you read, my student? Dhanna Bhagat Public School. Do you know? My principal name is Mrs. Shakuntalam Nehra. What is the name of your principal, ma'am? Mrs. Shakuntalam Nehra. Now come to next line. There are 30 teachers in my school. There are 30, near about 30 teachers. They all are cooperative and sportive. Beta, सभी टीचर्स कॉपरेटिव हैं, स्पोर्टिव हैं, ऐसा है ना आपके स्कूल में? इफ यू हैव एन इंक्वायरी अबाउट स्टडी मटेरियल इन एनी टॉपिक, टीचर विल हेल्प यू ऑलवेज. टीचर हमेशा आपकी हेल्प करती है. ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट लाइन. इट हैज 40 रूम्स. आपका स्कूल में कितने रूम्स हैं? नियर अबाउट 40 रूम्स. ऑल रूम्स आर एयरी. सभी में अच्छे वेंटिलेशन है, प्रॉपर हवादार है, हवा की अच्छे से व्यवस्था है. तो वी कैन राइट हियर एवी. ओके, इट हैज टू बिग प्लेग्राउंड्स. इट हैज, बच्चों हमारे स्कूल में क्या है बच्चों? दो बड़े खेलने के मैदान हैं, खेल के मैदान हैं. इट हैज टू बिग प्लेग्राउंड्स. आई लाइक माय स्कूल वेरी मच. ओके, लास्ट लाइन इज I like my school very much. Now the paragraph my school is complete. बेटा आपको नोटिस करना है, first letter आपको कैपिटल लिखना है. In my previous video you learned about how to make a sentence. आपको English grammar की बुक में आपका first chapter है बच्चों, sentence, the sentence. उसमें आपने बच्चों sentence बनाना सीखा था. जब भी कोई आप chapter read करते हो, story read करते हो, कोई भी पैराग्राफ, ओके, तो वो सब क्या होते हैं? वाक्यों से मिलकर बने हैं, सेंटेंसेस होती हैं. तो हमें उसमें नोटिस करना है कि जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा. आपको बच्चों, आप सेकंड क्लास में हो गए हो, बड़े हो गए हो, तो आपको कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स को ध्यान में रखते हुए ही रिटर्न वर्क करना है. ओके, अगर आप ये नोटिस नहीं करोगे आपके मार्क्स कट हो जाएंगे. ओके, और एंड में हम फुल स्टॉप यूज करेंगे. जब सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है we always use full stop. Okay, you have to write down this paragraph in your English notebook beautifully, neat and clean. बच्चों roll number wise school में सभी बच्चों ने अपनी notebooks submit करानी है. जैसे आपका notice आता है, आपने अपनी English, Hindi, Maths, EVS, every subject सभी notebooks को proper cover करना है with name slip. Along with name slip you will ready to your notebooks and submit in school on time. बेटा टाइम पर अगर आप सबमिट कराओगे, टीचर टाइम से चेक करके आपको रिटर्न करेंगे. ओके, आपको भी अच्छा लगेगा, आपकी करेक्शन होगी, आपको अपनी मिस्टेक्स पता लगेंगी. बच्चे, बेटा आप रिटर्न में मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो आपने सभी बच्चों ने मम्मा को बोलना है नोटबुक्स टाइमली स्कूल में सबमिट कराएं. ओके, जो टेक्स्ट बुक है वो एक साथ सबमिट नहीं होगी, आप नोटबुक सबमिट कराओगे और जो पैराग्राफ है आपको लर्न भी करना है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.